हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मैं इस वक्त प्रकृति मैदान में और देखने आया था ट्रेड फेयर अपने भाई के साथ। हाँ, तो भाई का भी चैनल है, अपना व्लॉग चैनल है। क्या नाम है चैनल का बता दो भाई? नवाज अमीन। हाँ, तो नवाज भाई ये बताओ कितने टाइम बाद आ रहे हो यहाँ पर? मैं एक्चुअली लास्ट टाइम आया था 2012 में आया था, उसके बाद अब आ रहा हूँ। 2012 में जब मैं आया था तो भाई ये जगह बहुत गजब थी, एकदम सारे स्टेट्स के अलग अलग बिल्डिंग बने हुए थे, लेकिन अभी देख करके अजीब सा लग रहा है, एकदम मैस सा लग रहा है, जैसे लिटरली कोई सच में मेला बना दिया, मतलब हाँ खिचड़ी जैसे गाँव का मेला नहीं होता वैसा लग रहा है कि चारों तरफ सब घास पे सब फैला के रखा हुआ है। अब देखो मैं अपना बताऊँ तो मैं 2 साल पहले आया था, 2 साल पहले भी मैंने ब्लॉग किया था, तो अभी मैं ये देखने आया हूँ कि 2 साल में कुछ ऐसा चेंजेस हुए जो मैं सोच रहा था, तो अभी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया है, वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों हॉल नंबर 10 पास में ही था तो हमने वहीं से वीडियो की शुरुआत की। तो एंट्री करते ही मैंने बच्चों के लिए टॉयज देखे, नॉट फॉर मेरे बच्चे, उसमें भी काफ़ी टाइम है। तो इस पजल टॉयज से रोबोट, कार, पार्क, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और जब मैंने उनसे इस पैक का प्राइस पूछा तो उन्होंने छोटे पैक का प्राइस बताया 2000 और बड़ा पैक 2500 से 3000 रुपये का आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लोकल मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको 1000-1500 रुपये में ये पैक ईजिली मिल जाएगा। और यहाँ वुडलैंड और क्रॉक्स के फुटवेयर मैंने देखे जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस थे, 3000-4000 रुपये इनका स्टार्टिंग प्राइस था, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। यहाँ से अच्छा आप लोकल मार्केट जाकर वहाँ से शोरूम से ले सकते हैं और रिटर्न एक्सचेंज भी आप इजीली कर पाएंगे। और यहाँ पर ये शॉपिंग बैग्स का मैंने जब प्राइस पता किया तो 8000-10000 रुपये से स्टार्टिंग था, जो कि मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा। भाई डेकोरेशन का सामान हो या छोटे मोटे टॉयज, यहाँ पर सभी चीज़ें ओवर एक्सपेंसिव हैं। और यही सामान लेने अगर आप दिवाली के सीज़न में जाओगे तो लोकल मार्केट में आपको 100-200 रुपये में ईजिली आपको ये आइटम मिल जाएंगे। यहाँ पर वही बंदा शॉपिंग कर सकता है जिसके पास बोरा भर भर के पैसा है। और ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और पहली बार ये ट्रेड फेयर में आए हैं, तो इनसे मैंने बात की परफ्यूम्स के लिए, इत्र के लिए, तो इन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो मुझे पहले परफ्यूम और इत्र के बारे में नहीं पता थी। साथ ही इन्होंने 2 डियो की बॉटल्स हमें फ्री में दी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस ब्रांड के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इनका जो प्राइस है वो भी काफ़ी रिजनेबल है इंडियन मार्केट के हिसाब से। और इस शॉप पे मैंने शोपीस और घड़ियाँ देखी थी, जो शोपीस थे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 1000-1500 रुपये में इनका स्टार्टिंग प्राइस था। और जो घड़ियाँ थी वो फिर भी ठीक थी, क्योंकि 600-700 रुपये में इनका स्टार्टिंग प्राइस था, जो कि मुझे ठीक लगा। हॉल नंबर 2 में जैसे हमने एंट्री की वहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश का पवेलियन देखने के लिए मिला। और जैसे ही हमने एंट्री की तो वहाँ पर काफ़ी सुंदर सजावट हमें देखने के लिए मिली। और यहाँ पर श्री राम जी के मंदिर का भी एक डेमो बनाकर रखा हुआ था, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। और जब मंदिर बन जाएगा तो वहाँ का जो नज़ारा होगा कुछ ऐसा होगा, ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद हम जा पहुँचे बिहार पवेलियन। और जैसे हमने एंट्री की वहाँ पर हमें फीमेल्स के लिए हैंडबैग, कपड़े, साड़ीज, शॉल्स वगैरह देखने के लिए मिली, जिनका स्टार्टिंग प्राइस 3000-4000 से था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये जूस का प्राइस मुझे ठीक लगा, बट ब्रांड मैंने पहली बार देखा है। और उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे एक भैया बैठे हुए मिले जो कि हाथों से कपड़े पर पेंटिंग बना रहे थे, काफ़ी अच्छी पेंटिंग थी। जब मैंने इनसे इसका प्राइस पूछा तो इन्होंने मुझे इसका प्राइस 5000 रुपये बताया। शॉल या चादर वगैरह पे भी ये पेंटिंग आपको बना के दे सकते हैं। तो भाई देखो घूम करके तो पूरा अपना बार आ चुके हैं और अभी जस्ट एग्जिट कर रहे हैं। और भाई कैसा एक्सपीरियंस था? तो मैं ऐसे भीड़ भाड़ वाले में एरिया में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि आप जो भी यहाँ पे खरीदोगे वो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो फिर हाँ, अगर आप घूमने फिरने जाते हो, अगर आप क्राउड वगैरह देखना चाहते हो तो फिर वो अलग बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस यहाँ पर चीज़ों का है ना नॉर्मली, वो मतलब दुगना तिगुना है। और उससे कम प्राइस में अगर आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको नॉर्मल चीज़ें जो है दिल्ली में आराम से मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दिल्ली में अवेलेबल ही नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मुझे एक तो प्राइस
ज्यादा लगे। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि चीजें जो है ना, आप जो भी खरीद रहे हो क्या पता उसकी गारंटी ना हो, कोई वारंटी ना हो। मान लो कुछ भी खरीद रहे हो, ये तो 5 दिन और रहेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? अगर आपको कोई भी सामान यहाँ से डैमेज हो गया तो फिर किसके पास जाओ? मतलब लोग कह देते हैं कि यहाँ पे वारंटी है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन भाई जब आप यूज़ करना चालू करते हो ना और इन केस ऐसा कोई दिक्कत आ गई तो फिर भागते रहो, कहाँ भागोगे, कहाँ पकड़ोगे? करेक्ट। अब लोकल शॉप से सामान लेंगे भाई तो उसको हम पकड़ लेंगे, भाई ये तुमसे सामान खरीदा था, अब इसमें दिक्कत आ रही है, अब इसको या तो रिपेयर करो या रिप्लेस करो। तो गाइस अभी एग्जिट हो चुके हैं ऑलमोस्ट और अभी सीधा ऐसे निकलेंगे मूवी के लिए। तो दो चीते जा रहे हैं भेड़िया मूवी देखने के लिए और देखते हैं कैसी मूवी रहती है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है मूवी का। और भाई कितने बजे का शो है? 6:30। 6:30 का शो है और अभी टाइम क्या हो रहा है? 5:15 हो रहे हैं। तो 45 मिनट है अपने पास, 45 मिनट नहीं, 1.5 घंटा पड़ा है अपने पास ऑलमोस्ट। तो अभी यहाँ से जस्ट निकलते हैं और मौका। तो गाइस मूवी देख के आ चुके हैं और भाई कैसी लगी मूवी? भाई स्टार्टिंग मेरे को लगी थी कि यार एवी निकलेगी, लेकिन भाई मूवी लिटरली बहुत अच्छी है। और भाई हमने गलती करी है मूवी 2D में देखी, अगर हम 3D में देखते ना तो और अच्छा एक्सपीरियंस होता मूवी का, है कि नहीं? और अभी टाइम क्या हो रहा होगा? 9:30 बज चुके हैं भाई। तो आज का जो व्लॉग है यहीं एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। भाई का जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो भाई को भी सपोर्ट करना। और अभी जस्ट कैब आने वाली है, कैब का वेट कर रहे हैं, जैसी कैब आती है सीधा घर निकलते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, बाय।